तो iPhone 11, iPhone 11 Pro और iPhone 11 Pro Max ये तीनों ही फोन लॉन्च हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे iPhone 11 Pro के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो यहाँ iPhone 11 Pro में आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ आपको ग्लास देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर जो साइड में केसिंग किया गया है ये आता है स्टेनलेस स्टील के साथ। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा टफ बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। और एप्पल का ये मानना है कि यहाँ पर जो ग्लास यूज किया गया है ये आज तक का सबसे टफेस्ट ग्लास है जो स्मार्टफोन में यूज किया गया है। और यहाँ पीछे ग्लास में आपको एक मैट टेक्सचर फिनिश देखने को मिलेगा। तो पर्सनली मुझे ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ iPhone 11 Pro आपका आ जाता है चार कलर वेरिएंट के साथ। पहला है मिडनाइट ग्रीन, सेकंड है स्पेस ग्रे एंड तीसरा है सिल्वर और चौथा है गोल्ड कलर के साथ। तो ये चारों ही कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा इसका मिडनाइट ग्रीन कलर। और आपको कौन सा सबसे अच्छा कलर लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस बार एप्पल कुछ ज्यादा ही अपने आईफोन्स में वाटरप्रूफ या स्पेल प्रूफ का प्रमोशन कर रहा है। तो इस बार हमें लगता है कि ये फोन ओवरऑल बहुत ही ज्यादा टफ होगा। और इसी के साथ आपका आईफोन 11 प्रो 4 मीटर तक पानी में डुबकी लगा सकता है और वो भी 30 मिनट तक। इतना तो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। तो अब हम अगर बात करें इसके डिस्प्ले की तो ये आ जाता है 5.8 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ। तो आसान भाषा में ये एक OLED डिस्प्ले है। जी हाँ, इसमें आपको OLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है। और इसका स्पेशल चीज ये है कि इसमें आपको 1200 nits का ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। तो इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो हमें इसको सनलाइट या आउटडोर्स में यूज करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब हम जान लेते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो A12 बायोनिक चिप हमें जैसे पिछले आईफोन्स में देखने को मिले थे, तो वो प्रोसेसर था वर्ल्ड्स फास्टेस्ट प्रोसेसर इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री। और यहाँ इस बार आपको मिलता है A13 बायोनिक चिप जो हर एक एंगल से आज तक का सबसे फास्टेस्ट सीपीयू है इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री। जी हाँ, इस बार भी आपको सबसे फास्टेस्ट सीपीयू यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन 855 से तो आप देख सकते हैं ये कितना पीछे है। तो यहाँ पर जीपीयू की बात करें तो जीपीयू में भी अभी तक सबसे फास्टेस्ट जीपीयू A13 बायोनिक चिप में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे प्रोसेसर या फिर जीपीयू के बारे में उतना बोलने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को शायद पता रहेगा कि एप्पल का जो चिपसेट्स है ये कितने पावरफुल है। और इसमें जो A13 बायोनिक चिप है ये आपको हर एक आईफोन 11 में देखने को मिल जाएगा, मतलब आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स, इन तीनों ही फोन्स में आपको A13 बायोनिक का चिप मिल जाएगा। मतलब तीनों फोन्स में आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ इसका बैटरी की बात करें तो इसमें आपको आईफोन XS से 4 घंटे ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 4 घंटे ज्यादा यहाँ आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ इस बार आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। एप्पल, रियली आपने इतने सालों बाद 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया है? हमें तो आजकल 45 वाट का भी फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। और इस बार एप्पल अपने आईफोन्स में कुछ ज्यादा ही फोकस्ड था इसके कैमरे के लिए। तो इसका रेयर कैमरे की बात करें तो ये आ जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का और ये आ जाता है f1.8 एपर्चर के साथ। और जो सेकेंड कैमरा है वो भी आ जाता है 12 मेगापिक्सल का और ये एक टेलीफोटो लेंस है। और जो तीसरा कैमरा है वो भी आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का और ये आता है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ। तो आप इन तीनों ही कैमरे से 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और इसमें से आपको बहुत ही इनक्रेडिबल डिटेलिंग आपको पिक्चर्स में मिल जाएंगे या फिर वीडियोज में मिल जाएंगे। और इसमें भी आपको ऑडियो जूम मिलता है जैसे हमें नोट 10 में देखने को मिला था। और इस बार आईफोन में बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको कैमरे में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से मेरा सबसे फेवरेट है, जैसे सोचिए कि आप एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी वक्त आप चाहते हैं कि इसमें आप वाइड एंगल लेंस में भी वीडियो करें, तो आप इजीली और स्मूथली एक लेंस से दूसरे लेंस में मूव कर सकते हैं और वो भी बिना कोई हिकअप्स और फ्रेम ड्रॉप्स के। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आप अगर कोई इंस्टेंटली कोई चीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं वाइड एंगल लेंस में तो आप इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। तो इस बार आपको नाइट मोड में भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, मतलब पिछले बार से इस बार आपको और भी क्लियर नाइट मोड इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ एप्पल ने अपने वीडियो एडिटिंग को और भी नेक्स्ट लेवल में लेके गया है, क्योंकि यहाँ आपको फिल्मिक प्रो का सपोर्ट मिलता है। तो फिल्मिक एक सिनेमैटिक एडिटिंग ऐप है जो आपको सिर्फ ऐप स्टोर में मिलेगा। याद रखिए, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एप्पल ऐप स्टोर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप फिल्मिक प्रो सिनेमैटिक एडिटिंग ऐप से इतने सारे नए नए चीजें कर पाएंगे कि मैं आपको क्या बताऊं।
जैसे आप अपने तीनों कैमरे से एक साथ एक ही टाइम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक ही टाइम में अपने तीनों कैमरे को ऑन करके रिकॉर्ड कर पाएंगे इस ऐप के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे डिटेल्स अपने फुटेज में मिल जाएगा। जैसे आपका जो प्राइमरी सेंसर है वो अगर वीडियो रिकॉर्ड करता है तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, और जो सेकंड कैमरा है वहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जिसके कारण आपको अपने वीडियोस में डेप्थ मिल जाएगा, और जो थर्ड कैमरा मिलता है उसमें आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है, सो इसके कारण आपको एक वाइड एंगल व्यू मिल जाता है। तो इन तीनों को अगर कॉम्बाइन करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका वीडियो कैसा होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे फ्रंट कैमरे की। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन यहाँ पर आपको और एक नया एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो इस बार आपको फ्रंट में स्लो फी देखने को मिलेगा, मतलब स्लो मोशन सेल्फी। जी हाँ, इस बार आप फ्रंट में स्लो मोशन वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं। तो स्लो मोशन फ्रंट में अगर वीडियो कैप्चर करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज यहाँ पर निकल के आएंगे, और यहाँ पर फिर से आपको आईफोन्स में एक बड़ा सा नॉच देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इस बार भी एप्पल ने इस नॉच को डिस्प्ले से नहीं हटाया, बल्कि कम भी नहीं किया। मतलब जितना सेम साइज पहले आपको देखने को मिलता था, इस बार भी वही साइज का आपको नॉच यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जो आपको सेंसर्स मिलते हैं वो और भी ज़्यादा अपग्रेडेड कर दिए गए हैं। मतलब पिछले बार आपको जो फेस आईडी देखने को मिल रहा था उससे बहुत ही ज़्यादा फास्टर फेस आईडी अनलॉक इस बार आपको देखने को मिल जाएगा, और इस बार का जो फेस आईडी है ये किसी भी एंगल में भी आपका फ़ोन अनलॉक कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये सब तो थे इस फोन के कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम आ जाते हैं इसके मेन मुद्दे पर, मतलब इसका प्राइसिंग। तो ये फोन मतलब आईफोन 11 प्रो आपको मिलता है $999 में, मतलब इंडियन रुपीज में ये आता है 99,900 रुपीज में। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये फोन आपका प्राइस रेंज के हिसाब से जस्टिफाई करता है कि नहीं, तो ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।